तो आज हमारा ई सिम का बैच लग रहा है, तारीख है आज की 21 अगस्त 2024। देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये साइड क्या है, ग्राउंड है हमारा, इस साइड से हम चेक करेंगे, इस साइड लगा के इस आईसी को चेक लगाओ, इसको यहाँ लगाओ इस साइड, और इस पिन को इससे चेक करो ग्राउंड। क्या चेक करवा रहे हैं सर अभी? ये कंपोनेंट चेक करवा रहे हैं सर। ठीक है, आईसी इस पे चेक करें। कर रहे हैं आप फ्यूल इंजेक्टर का आउटपुट लो साइड चेक कर रहा था। ठीक, कैसे चेक करते हैं बताइए सर? पिन नंबर चेक करने का, पिन नंबर जितनी है जो इंजेक्टर का रहेगा पिन नंबर से चेक करने का, तो उसमें आपको मॉस्फेट पे देगा या डायोड जैसा देगा, तो उसके आपका जो ड्रेन रहेगा वो पिन नंबर 16 रहेगा, बाकी के जो 3-2 पिन रहेंगे उसमें से एक सोर्स आएगा जो कैपेसिटर से आएगा। ठीक है, जिसमें और जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो रजिस्टर से लगा जो आएगा आपका आईसी में जाएगा, तो उसी की तरह चेक करते हैं आईसी में कनेक्ट होना चाहिए। इसमें भी आ गई आप, एंड अब इसमें देख सकते हैं आप कि रजिस्टर में कनेक्टेड है। हाँ, रजिस्टर में कनेक्टेड है, तो चेक करेंगे तो ये आईसी में जाएगा। अच्छा, इसमें आगे कंटिन्यूटी, तो ये पहले से आता था कि इधर ही आके सीखा है आपने? अभी इधर ही आके सीखे सर। ठीक है, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 15-20 डेज। 20 डेज हो गया आपका। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? सर एमसीयू क्या होता है अभी कुछ? ये अपना इसमें टेस्टिंग चल रहा है, ट्रैकिंग चल रहा है, ट्रेसिंग चल रहा है, क्या चल रहा है? ट्रैकिंग चल रही है, सबको ट्रैक कर रहे हैं अभी आप पूरा। राजेंद्र क्या कर रहे हैं अभी आप? इग्निशन स्विच को ट्रेस कर रहा हूँ। इग्निशन स्विच को ट्रेस कैसे करते हैं बताइए? इग्निशन स्विच कहाँ पर है इसमें? इग्निशन स्विच का सर ये अपना 46 वाला पेन आउट है जी, यहाँ से पेन आया हुआ है जी, ये जो पेन मेरा इस रेजिस्टेंस पे जाकर मिला हुआ है। अच्छा, इस वाले पर। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है फिर यहाँ से ये आउट होगा जी, ये आउट होकर इस रेजिस्टेंस में गया हुआ है जी, इससे फिर ये आउट होगा दोबारा से। अच्छा, फिर ये आगे आईसी में जाके मिलेगा, मेरे को आईसी तक ही ट्रेस करना था। अच्छा, आईसी तक ट्रेस करना है। हाँ, तो इग्निशन स्विच को अभी आप ट्रेस कर रहे हैं जी? जी सर, डायग्राम भी संग के संग बना रहे हैं, पूरा डायग्राम भी है। ठीक है, आप क्या ट्रेस कर रहे हैं? क्या दिया हुआ है आज आपको टास्क? ट्रेसिंग दिया हुआ है। किस चीज़ का ट्रेसिंग कर रहे हैं अभी आप? मैक्सिमो का ECM मैक्सिमो का है। क्या ट्रेस कर रहे हैं आप इसमें? इसमें कैन हाई कैन लो, हाई कैन लो कैन। ठीक है, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 15 दिन। 15 दिन हो गए आपको। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इंजेक्टर ट्रेसिंग। कौन सी गाड़ी का ECM है? मैक्सिमो, महिंद्रा मैक्सिमो मैक्सिमो का। किसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं? इंजेक्टर की जी। एक नंबर इंजेक्टर और 4 नंबर इंजेक्टर। एक नंबर इंजेक्टर, 4 नंबर, कैसे करेंगे सर? यहाँ पे पहले इसको पिन आउट देखेंगे, यहाँ से आएंगे यहाँ पे। हाँ, मॉस्फेट पे, मॉस्फेट पे आएंगे, यहाँ से डायोड पे, डायोड से यहाँ पे इसको जंप करके इधर आएंगे। हाँ, इसके बाद ये वाले इस वाले मॉस्फेट से यहाँ पे रजिस्टेंस के बाद इंजेक्टर आईसी पे सीधा आएगा। अच्छा, ये इंजेक्टर आईसी है आपकी जी? तो ये इसमें जितने भी कंपोनेंट लग रहे हैं पहले से नॉलेज थी क्या? इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, क्या होता है? नहीं सर, पहले आने के बाद नॉलेज। आने के बाद जी। तो इसमें सारे कंपोनेंट को नाम पता है आपको? जी, इसमें बात करो क्या क्या कंपोनेंट नाम बताएंगे जल्दी जल्दी करके? इंजेक्टर है, MCU है, पावर आईसी है, सिस्टम आईसी है, ये सर इसका हेल्पर आईसी है जी, ये डायोड है अपना, डायोड है, रेजिस्टेंस है, ये वो बोलते हैं जीनर डायोड बोलते हैं इसका। मॉस्फेट का इसमें मॉस्फेट सर ये है, ये सीधा कीजिए उसको, ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर क्या काम है कैपेसिटर का? सर कैपेसिटर से वो अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर उसको पहले कलेक्ट करता है, उसके बाद जितना कंज्यूम करना कराना रहता है वो आगे फॉरवर्ड करता है, करंट को स्टोरेज करता है, स्टोर करता है सर। ठीक है जी, कौन सी गाड़ी का ECM है, क्या कर रहे हैं आप? मैक्सिमो गाड़ी का। मैक्सिमो क्या कर रहे हैं इसमें भी आप? क्रैंक सेंसर का ट्रेसिंग कर रहे हैं। क्रैंक पोजीशन सेंसर का ट्रेसिंग कर रहे हैं आप? पहले कुछ नॉलेज थी इधर आके किया है? नहीं, इधर सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करना सीख गए? हाँ। अच्छा ठीक, कितने दिन हो गए आए हुए? 20 दिन हो गए।
आप क्या कर रहे हैं इसमें अभी? सर कैन हाई का ट्रेसिंग हो रहा है। कैन हाई का ट्रेसिंग कैसे करते हैं? कैन हाई का ट्रेसिंग ये हमारे 3 नंबर पिन है जी, इसको मॉस्फेट पर लेंगे या चेक करेंगे जी। इसका ड्रेन है यहाँ बोलर है भी जी। अब इसकी वाली पिन कैपेसिटर पर रखूँगा जी, यहाँ भी बोलर है जी। अब इसकी ये पिन हम यहाँ रखूँगा सोर्स पर इसके जी, भी बोलर जी। बस अब इसका बचा हमारा गेट जी और ये ड्रेन जी, ये सोर्स बन गया, ये ड्रेन बन गया जी जी। ये सोर्स को हम कैपेसिटर पर रखेंगे जी, ये यहाँ वैल्यू दिखाएगा ठीक है। वैल्यू दिखाने के बाद अब बचा हमारा सोर्स, इसको हम यहाँ इस तरीके से यहाँ पर गेट है, गेट के बराबर में पिन है, यहाँ रख कर ठीक यहाँ ट्रेस कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा गया NPC नॉन पोलराइज कैपेसिटर। अब इसको जंप कर देंगे, जंप करने के बाद ये हमारी इंजेक्टर IC आ गई। इंजेक्टर IC के बाद इस तरीके से यहाँ एक जगह बीप आ जाएगा, ये आ गया बीप, ये बीप आ जाएगा। तो पहले से कुछ नॉलेज थी क्या? नहीं सर, सब कुछ किया है आपने? नहीं, इधर ही आकर सब कुछ सीखा है। कितने दिन हो गए हुए? आज 20 डेज हो गए। 20 डेज हो गए आपको? जी ठीक। आप क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग। कौन सी गाड़ी का ECU है? डिजायर डीजल, स्विफ्ट डीजल। स्विफ्ट डिजायर डीजल का? डीजल का। किस चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे हैं? फ्यूल पंप रिले की। अच्छा, फ्यूल पंप की कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सर ट्रेसिंग कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी का ECU है? स्विफ्ट डीजल का। डीजल का स्विफ्ट का। किस चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे हैं, किस पिन की? ये 68 नंबर पिन, ब्रेक स्विच सिग्नल। अच्छा, 68 ब्रेक स्विच सिग्नल जी, 68 नंबर की पिन है जो इस पे जी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग इनको सेपरेट डेस्क दिया हुआ है जहाँ पर मशीन है, मल्टीमीटर है, हीट गन है, सेपरेट सबको एक एक स्टेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा ट्रैकिंग ट्रेसिंग ECM को डाटा ट्रांसफ़र कोडिंग के लिए वहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग उनको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सारी चीज़ वहाँ पर ये लोग करेंगे। तो यहाँ पर इनका ECM और सॉफ्टवेयर प्लस प्रोग्रामिंग यहाँ पर होता है। इसमें आपका ECM हो गया, BCM हो गया, आपका क्लस्टर मीटर हो गया, EPS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर मॉड्यूल, तो वो सब यहाँ पर करेंगे। जब यहाँ पर ये इनका ये ECM का पार्ट पूरा हो जाएगा, ECM, BCM, क्लस्टर मीटर और EPS का, उसके बाद ये वर्किंग गाड़ी पे जाएंगे। वर्किंग गाड़ी पे इनको क्या करना पड़ता है? वायरिंग की ट्रेनिंग। वो फ्लोर पे दिखा देता हूँ, वहाँ पर जाके कैसे वायरिंग को ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ पर इनकी वायरिंग, सेंसर और स्कैनिंग, 3 ट्रेनिंग इनकी, और चौथा रिमोट बनाना। तो यहाँ पर इनकी पहली ट्रेनिंग है, जहाँ पर ये ECM, BCM, क्लस्टर मीटर, इसको हम लोगों ने एक ही ट्रेनिंग बोला हुआ है। और जो सेकंड वायरिंग, तीसरी सेंसर, चौथी गाड़ी का रिमोट बनाना और पांचवी स्कैनिंग, ऑनलाइन कोडिंग, ऑफलाइन कोडिंग, वो कहाँ करेंगे? वर्किंग गाड़ियों पर। अब वर्किंग गाड़ी का फ्लोर कहाँ पर, वो आपको ले जाकर दिखाता हूँ कि किस टाइप से इनका ये ट्रेनिंग होता है। 1 से 2 महीना आपको मिनिमम लगता है, मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 2 महीना। तो उस टाइप से कोई अगर पहले से कुछ काम करता है, पहले से मैकेनिक है, वो 1 महीने में कंप्लीट कर सकता है। जो फ्रेशर आते हैं उनको 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। तो अब दूसरे फ्लोर पर चलते हैं, वर्किंग गाड़ियों पर कहाँ पर जाके ट्रेनिंग करेंगे यहाँ से फ्री होने के बाद।